पिछले क्लास में हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड का प्रिपरेशन और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे। आज ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, यानी इसके बाद में फिर हम लोग अमाइन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, पढ़े भी थे एसिड अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। देखो कैसे बनता है, कार्बोक्जिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक और कार्बोक्जिलिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ से क्लीवेज होगा और यहाँ से एच, ये बाहर निकल गया। ऑन हीटिंग विथ H2SO4, या इसकी जगह पर और क्या ले सकते हैं, P2O5, हीट करेंगे, H2O बाहर निकल गया। अब देखो तो बाकी क्या पार्ट बचा रह गया, आर C O O C डबल बॉन्ड O R, इसी को हम लोग शॉर्ट में R C O होल ट्वाइस O भी लिखते थे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2 मोल्स, जो कि 2 मोल है, ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड है। तो ऑन हीटिंग विथ H2SO4 और P2O5 हीट करते हैं, तो यहाँ बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, इट विल फॉर्म CH3CO होल ट्वाइस O। ये एसिटिक एसिड था तो एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है तो इसलिए एसिटिक अनहाइड्राइड। IUPAC नेमिंग करेंगे, ये इथेनोइक एसिड है तो इन्हें कहा जाएगा इथेनोइक अनहाइड्राइड, नोट कर लीजिए। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ये एस्टरीफिकेशन, यानी ईस्टर का बनना, ये तीसरी बार में आया है। कार्बोक्जिलिक एसिड के प्रिपरेशन में भी ईस्टर के बारे में बात किए थे, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बात किए थे, और अभी ये कार्बोक्जिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में आया। जब कार्बोक्जिलिक एसिड का आर सी डबल बॉन्ड ओ एच का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं, HOR-, यहाँ से OH और यहाँ से H, ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड में H2SO4 भी आ सकता है, HCl भी आ सकता है, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। देखो यहाँ क्या पार्ट बचा रह गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश और प्लस H2O। अब ये कार्बोक्जिलिक एसिड अल्कोहल से भी रिएक्ट कर सकता है और फिनॉल से भी कर सकता है। जैसे अगर हम लोग CH3COOH का रिएक्शन अगर CH3OH से कराते हैं तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा और इस जगह से H, और बाकी के रेस्ट पार्ट को यहाँ ऐड कर दो। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड देखो क्या बन जाएगा, ये CH3COOH और प्लस H2। नेमिंग अगर करेंगे तो इस वाले पार्ट का पहले नाम लिखा जाता है, तो वहाँ मिथाइल है, ये हो गया मिथाइल, और 2 कार्बन एटम इथेनोइक एसिड से बना हुआ है इसलिए इथेनोएट। अल्कोहल की बजाय आप फिनॉल भी यूज कर सकते हो, इसमें भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अगर इनका रिएक्शन C6H5OH से करा दिए फिनॉल से, तो यहाँ से कौन सा पार्ट रिमूव करोगे आप, H, देखो तो क्या बन जाएगा, यहाँ CH3COOC6H5 और बाई प्रोडक्ट क्या निकला, H2O। तो यहाँ इस वाले पार्ट का पहले नाम लिखना होगा, बेंजीन से बना फिनाइल, फिनॉल और फिनाइल में फर्क है, फिनाइल और 2 कार्बन एटम है तो इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट, कॉपी कर लीजिए। ये रिएक्शन PCl3, PCl5 और SOCl2 हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में था फ्रॉम अल्कोहल। अब बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ भी होगा, पहले वो वाला पार्ट याद करते हैं। अल्कोहल का यानी ROH के साथ रिएक्शन जब PCl3 का कराए थे तो बना था RCl और बाई प्रोडक्ट क्या बना था, H3PO3। जब PCl5 के साथ कराए थे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, और जब थायोनील क्लोराइड के साथ कराए थे तो RCl प्लस SO2 और प्लस HCl।
ये रिएक्शन को प्रीफर किया गया था क्योंकि बाकी का बाई प्रोडक्ट गैस था, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। यहाँ से OH हटा रहे हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड से भी हम लोग OH ही रिमूव करेंगे, यानी जब कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं R C डबल बॉन्ड OH, अब अगर इनका रिएक्शन करा दिया PCl3 के साथ, तो इसका OH रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा Cl, यानी R CO Cl, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा H3PO3। अब जो रहेगा दो कार्बन रहेगा तो इथेनॉइल क्लोराइड, तीन रहेगा तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये बनेगा। अगर इनका रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं PCl5, तो यहाँ बनेगा R CO Cl, और बाई प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा PO Cl3 प्लस HCl। और अगर इनका रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से कराते हैं SOCl2 से, तो यहाँ पर भी R COCl प्लस और प्लस HCl, यहाँ ये दोनों बाई प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में होंगे, बाहर निकल जाएंगे, इसलिए इस मेथड को प्रीफर करते हैं। बोलो याद आएगा, नोट कर लीजिए। चलो यहाँ देखो अमोनिया से रिएक्शन, अमोनिया लिविस बेस है, प्रोशन लॉरी बेस भी है क्योंकि ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है, आर्हेनियस बेस नहीं है क्योंकि ये OH नहीं देता है। जब इसे एसिड से कराते हैं, जैसे कॉमन रिएक्शन याद करो ना, NH3 का HCl से रिएक्शन कराते हैं तो NH4Cl बनता है, यानी एसिड का वो H ले रहे हैं इस वजह से। वैसे ही यहाँ पर भी जब कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन RCOOH का अमोनिया के साथ कराते हैं NH3 के साथ, तो ये अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड बनाता है आर सी डबल ओ एन एच फोर, यहाँ प्लस चार्ज आता है इसके ऊपर में माइनस, और इन्हें जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो डिहाइड्रेट करेगा, एच टू ओ बाहर निकलेगा और फॉर्मेशन कर लेगा आर सी ओ एन एच टू, यानी अमाइड का। अब जो कार्बोक्जिलिक एसिड रहेगा उसी से रिलेटेड उसका अमाइड बनेगा। जैसे अगर हम लोग CH3COOH ले रहे हैं, इथेनोइक एसिड है, इनका अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं अमोनियम एसीटेट या अमोनियम इथेनोएट कह सकते हो CH3COOH4, और फिर जब हीट करते हैं तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, बोलो तो फार्मूला क्या बन जाएगा CH3CONH2, डबल ओ नहीं क्योंकि एक ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया H2O के फॉर्म में। अब चूंकि टू कार्बन एटम्स हैं तो इसलिए इसका नेमिंग करोगे तो ये जगह इथेनामाइड, इसे इथेनामाइड कहते हैं। अगर इथेनोइक एसिड की जगह पर आप बेंजोइक एसिड ले रहे हो COOH, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर अमोनियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बना लेगा, यानी यहाँ ये पार्ट आ जाएगा COOH4, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव अमोनियम साल्ट, और फिर जब हीट करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा और यहाँ ये फॉर्मेशन कर लेगा CONH2। तो ये कहा जाएगा बेंजीन से बना है, तो बेंजीन का ई हटाकर अमाइड जोड़ देंगे, देख रहे हो इथेन का ई हटाकर अमाइड जोड़ दिया गया इथेनामाइड, तो बेंजीन से ई हटाकर अमाइड जोड़ देंगे, यानी क्या बन गया बेंजीनामाइड। एक और जो आगे आएगा अमाइन पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर एक नाम आएगा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो थैलीमाइड बनता है वो कंसेप्ट यहीं पर है। थैलिक एसिड आप में से जो बिहार बोर्ड के थे और अगर क्लास अटेंड किए होंगे पॉलीमर का, तो बताए थे कि बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्जिलिक एसिड का कॉमन नेम थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड टेरेथैलिक एसिड, ये सब पढ़े थे। आयुपैक नेम बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्जिलिक एसिड। अब इनका रिएक्शन दो दो जगह पे कार्बोक्जिलिक ग्रुप है इसलिए 2NH3 से करा देते हैं, दोनों जगह पर अमोनियम साल्ट बन जाएगा,
यानी ये पार्ट भी कन्वर्ट कर गया सी डबल ओ एन एच फोर में और ये पार्ट भी कन्वर्ट कर गया सी डबल ओ एन एच फोर में। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन गया इसलिए माइनस और इनका प्लस प्लस। अब जब इसे आप हीट करोगे तो H2O बाहर निकलेगा, तो दोनों जगह से H2O बाहर निकलेगा, तो आप 2H2O भी लिख सकते हो। अब थैलिक एसिड से बन जाएगा थैलेमाइड, और स्ट्रक्चर लिखे तो CONH2 और इनका भी लिखेंगे तो CONH2। ये बना थैलेमाइड, थैलेमाइड। अब यहीं पर एक और रिएक्शन होता है आगे, अगर इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो एक NH3 बाहर निकल जाता है। तो देखो यहाँ NH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बचा रह गया NH। इसे को थैलीमाइड कहते हैं, और जब हम लोग अमाइन पढ़ेंगे तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में यहीं से बनाया जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH, इन्हें कहते हैं हम लोग थैलीमाइड। थैलीमाइड वो था थैलेमाइड और ये हो गया थैलीमाइड, नोट कर लीजिए। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ आर सी डबल ओ एच, इनका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4 से कराते हो RCH2OH, कौन सा अल्कोहल बन गया प्राइमरी अल्कोहल। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग CH3COOH, इनका अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हो LiAlH4 तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। इसकी बजाय इसे हम लोग ईस्टर में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं अल्कोहल में। तो जब ईस्टर में कन्वर्ट करोगे तो इसका आपको पहले रिएक्शन कराना होगा अल्कोहल से, मान लिया CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, तो पहले ये ईस्टर बन जाएगा CH3COOCH3 और फिर इनका कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2OH और ये प्लस मीथेनॉल CH3OH। याद आ रहा है, ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में रिएक्शन था और ये रिएक्शन यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, कॉपी कर। इस जगह पे वर्ड लगा हुआ है डी, डी कार्बोजाइलेशन। बताया था आपको कि डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन डीहैलोजिनेशन। उसी तरह से यहाँ डी कार्बोजाइलेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर निकाल देंगे वहाँ से, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकलेगा CO, तो एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। ये लेबोरेटरी मेथड है अल्केन के प्रिपरेशन का, 11th क्लास में भी था। RCOONa ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं। सोडा लाइम एक्चुअली मिक्सचर है NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में NaOH ही सिर्फ क्यों लिखे, इनका अमाउंट ज़्यादा है, ये 3 पार्ट में है और ये 1 पार्ट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो इनके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो डी कार्बोजाइलेशन होता है RH और फिर बन गया यहाँ पर Na2CO3। तो देख रहे हो कि एक कार्बन यहाँ कम हो गया, RCOONa था, 2 था, अब यहाँ पर सिर्फ H बना है। अब एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे ये CH3COONa है, इनका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा रहे हैं NaOH और प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये पार्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा, बताओ क्या बन जाएगा CH4 और प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। देख रहे हो सोडियम इथेनोएट है और यहाँ पर क्या बना मीथेन, तो हमेशा एक कम हो जाएगा, लेकिन वही 11th में ही था। अगर इनका आप कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, इस जगह पर इनके रिएक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस
तो यहाँ पर जितने ये कार्बन एटम है इधर का आगे का उसका जस्ट डबल हो जाता है, यानी ये CH3 ऊर्जा रिएक्शन के जैसा बन जाएगा जो रहेगा। अगर C2H5COONa है तो यहाँ C4H10 बन जाएगा C2H5, और इस जगह पर C2H6, यानी कि यहाँ मीथेन बनेगा और इस जगह पर ब्यूटेन का फॉर्मेशन, इथेन बनेगा और यहाँ ब्यूटेन का फॉर्मेशन, नोट कर लीजिए। ये हेल्पफुल हार्ट जेलेंस की रिएक्शन वही कार्बोक्जिलिक एसिड शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्जिलिक ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहेंगे, तो फर्स्ट मेंबर ये शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ एक लेकर के चलते हैं R CH2COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन एटम अल्फा है और इसके साथ में हाइड्रोजन भी है तो ये रिएक्शन शो करेगा। इनका रिएक्शन जब हैलोजन में स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ से H हटाकर उसकी जगह पर X जुड़ जाएगा, यानी RCHX और यहाँ COOH। अब एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2COOH। अब इस जगह पर जो X है, इस X की जगह पर आप क्लोरीन भी ले सकते हो या ब्रोमीन भी। अब यहाँ हम रिएक्शन एक लेकर के चल रहे हैं, सपोज इनका रिएक्शन करा दिया Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3CH Cl और COOH। IUPAC नेमिंग अगर करना चाहें तो 1, 2, 3, सेकेंड पर क्लोरो है, 2-chloro-propanoic acid, लेकिन अगर ये अल्फा बीटा के टर्म्स में देना चाहें तो इससे जुड़ा हुआ है अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा क्लोरो और ये कॉमन नेम है प्रोपायोनिक एसिड, तो अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड। ह्यूमन क्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है हम लोगों को, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बाकी समय पढ़े थे कि ऑर्थो और पारा डिराइवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके लिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब टर्म क्लास 11th का था। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो बात का अभी यहाँ बताएंगे, थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये बेंजीन है, इनके साथ में कार्बोक्जिलिक ग्रुप लगा हुआ है, थ्री डबल बॉन्ड ओ और यहाँ OH। इस ऑक्सीजन के पास में 2 lone pair इलेक्ट्रॉन है। पहले हम लोग क्या देखते थे कि बेंजीन से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन एटम है उसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता था, जैसे हैलोजन में हैलोजन जुड़ा होता था, फिनॉल में OH जुड़ा होता था तो O के पास होता था, लेकिन यहाँ बेंजीन के साथ में क्या जुड़ा है, कार्बन, और कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन जुड़ा हुआ है किससे, ऑक्सीजन से। बता सकते हो कार्बन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा, ऑक्सीजन का, तो इनका ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो जैसे ही ये शिफ्ट करेगा आप कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी, तो जहाँ बेंजीन को रिक्वायरमेंट के अनुसार से इलेक्ट्रॉन मिलता है उसी तरह से बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप के पास में भी अगर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो उस कंडीशन में जैसे ही ये डिफिशियंसी हुआ तो यहाँ का ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जगह पर शिफ्ट करेगा। देखो अब अगले स्टेप में कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड, COOH, अब यहाँ डबल बॉन्ड, ये बेंजीन, इनका ये दोनों बॉन्ड अनफेक्टेड है यहाँ, लेकिन अब इसकी जगह पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया है। अब ये फिर ये इस जगह पर शिफ्ट करेगा, तो जैसे ही शिफ्ट करेगा गेस करो अब यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और इसके जगह पर प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में C O 1 2 3 4 5 6, यहाँ OH डबल बॉन्ड, इस जगह पर डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस चार्ज, अब ये है, अब फिर वैसे ही
ये यहाँ शिफ्ट करेगा, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में O 1, 2, 3, 4, 5, 6 सी ओ एच डबल बॉन्ड, यहाँ बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन सा चार्ज प्लस। अब फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के जैसा आइडेंटिकल होगा, तो फिर यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा यानी डबल बॉन्ड में, और यहाँ का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा यानी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज छूट रहा था, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब देखो अगले स्ट्रक्चर में फिफ्थ वाले में ये फर्स्ट वाले के आइडेंटिकल हो गया, सी ओ एच यहाँ बेंजीन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब जो बताना चाह रहे थे वो ये, इलेक्ट्रोफाइल अगर अप्रोच करेगा बेंजोइक एसिड को, बेंजल्डिहाइड में भी यही रहेगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में सिर्फ OH की जगह पर क्या जाता है H, ऑक्सीजन वहाँ पर भी है कार्बोनिल ग्रुप, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अप्रोच करता है जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बताओ तो ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक साइट डेवलप कर गया, पारा पर भी नहीं जाएगा, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा रह गया, और वो कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? मेटा। इसलिए कहा जाता है कि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, और इनका जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो और पारा नहीं, सिर्फ क्या बनेगा? मेटा डेरिवेटिव। रिएक्शन का कंडीशन वगैरह सब कुछ उसी के जैसा, जैसे बाकी फिनॉल में हेलोरिन में पड़े थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगर बेंजोइक एसिड का सी डबल ओ एच का याद करो आप नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो मेटा डेरिवेटिव बनेगा, यानी इनके साथ में सी डबल ओ एच और यहाँ पर NO2 ग्रुप। वहीं अगर हैलोजिनेशन करा देते हैं, यानी कि आप क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हो, तो FeCl3 के प्रेजेंस में डार्क में याद आ रहा है, सनलाइट में कराते हैं तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, यहाँ सी डबल ओ एच और यहाँ पर Cl मेटा पोजिशन पर आएगा। इस जगह पर जो खास बात ध्यान देना है वो ये कि यहाँ पर शिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। रीजन पूछता है 1 मार्क्स का कि ये क्यों नहीं शो करता है, अमाइन भी शो नहीं करेगा। तो एक्चुअली होता है क्या, शिडलक्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, वो इनके साथ केमिकली कंबाइन कर जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो जब कैटलिस्ट ही कंबाइन कर गया तो नेचर बदल जाएगा रिएक्शन का, ठीक है, तो इस वजह से वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये इतना कुछ था कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट। एक बात बताए थे आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आप देख करके आओगे, एसिडिक स्ट्रेंथ जो अल्कोहल में पड़े हैं, यहाँ बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है, कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या बात किए थे वहाँ पर हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड है RC OH, तो ये वाटर में आयोनाइज करता है और ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है RC OH- and H+। तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का है, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनाएगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, तो ये सब बताता है कि एसिडिक नेचर का है। अब यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ रहे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा रहेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, घटेगा, अल्कोहल फिनॉल में भी वही हुआ था। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहा तो उस कंडीशन में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ वैल्यू इंक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बजाय कई जगह पर PKa, pH ये सब भी टर्म दिया रहता है, तो सिंपल आप ध्यान में रखोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKa का। अब मे बी आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि Ka और PKa क्या है, ये था 11th क्लास में, उस जगह पे पढ़ना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते हैं, हालांकि नहीं भी पढ़ोगे तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आप यहीं से सिर्फ ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है जो कि हम लोग अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, और ये कहेगा तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वही के और पी के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहले क्वेश्चन पर ही आते हैं हम लोग, यहाँ देखो ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इंटेक्स का 12.8,
पेयर में दिया हुआ है कंपाउंड, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों पेयर में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपको देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन पंपिंग रहा तो घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहा तो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर CH3CO2 है, CO2 से कन्फ्यूज मत करना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 दिया गया COOH को, दोनों ऑक्सीजन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है। यहाँ CH3COOH है और यहाँ CH2F है, यानी एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या जुड़ गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो बताओ तो फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा या सेकेंड वाला, सेकेंड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा फ्लोरीन की वजह से। दूसरे में ध्यान से देखो, दोनों का फार्मूला सेम है, डिफरेंस है यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है। तो आप देखो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, फ्लोरीन F, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, तो फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक होगा, ये हो गया। इसमें देखो दोनों जगह पर फ्लोरीन ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर फ्लोरीन फोर्थ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये 1, 2, 3 थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जितना ज़्यादा दूर होता चला जाएगा, इसका इम्पैक्ट इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर उतना ही कम होगा। तो बताओ तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड से जुड़ा हुआ है। कहीं पर आ रहा है बाकी का कोई कंसेप्ट वगैरह, कुछ नहीं, जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखो ये C6H4 यानी कि बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है COOH से, इस जगह पर CF3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। बताओ फर्स्ट होगा ज़्यादा एसिडिक या सेकेंड, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ CH3 तो प्लस IF प्रोड्यूसिंग ग्रुप बन जाएगा ये। तो वही बताए थे कि अल्कोहल का कंसेप्ट आप ध्यान में रखोगे, अब वही एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह कभी कह देगा के किसका ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसी के अनुसार से निकालेंगे। पीके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि पीके निकालते हैं तो लॉग 1/K हो जाता है, तो यानी दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में था, तो हमको अब उतना पढ़ने का क्या जरूरत है, हमें तो जानना है, अरेंज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसिडिक और कौन बेसिक। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में 4-5 दिया हुआ है और आएगा ही आएगा, और आएगा तो एक नंबर का नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर का आएगा, लेकिन अभी बताएंगे तो फिर आपके लिए वो कुछ बेनिफिशियल नहीं। पहले आप कोशिश करो जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, जैसे यहीं पर देखो ना, गेस करते हैं एक एग्जाम्पल में, यहाँ कह रहा है क्या, कैसे सेपरेट करना है, सोचना है, जो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिकुलर फार्मूला C9H10O फॉर्म 2,4-DNP डेराइवेटिव डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो कौन रिएक्ट करता है इसके साथ में, अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये वाला स्टेटमेंट से पता चल गया कि अल्डिहाइड या कीटोन होगा। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, अब अगला पार्ट में कह दिया कि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, तो बताओ टॉलेंस रिएजेंट से कौन ऑक्सीडाइज होता है, अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड, पढ़े ना हम लोग ऑक्सीडेशन में, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये सिर्फ अल्डिहाइड शो करता है, कीटोन नहीं। तो इससे पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप है, इससे पता चला कि कार्बोनिल कंटेनिंग कौन सा कंपाउंड है, अल्डिहाइड है। अब आगे देखो ये कह रहा है एंड अंडरगोज कानिजारो रिएक्शन, अब ये और कन्फर्म कर दिया, कानिजारो रिएक्शन सिर्फ वही अल्डिहाइड शो करते हैं विच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें दो आया था, एक बेंजल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब जरा फार्मूला से अंदाज लगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है, होगा क्या वो, कितना कार्बन है यहाँ, 9, इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है। अब बेंजल्डिहाइड के बारे में और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे कह रहा है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव 1-2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 1 और 2 पोजीशन पर दो जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप COOH और COOH। अब ये क्या बनेगा, एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया था कि बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड है तो इसका फार्मूला पहले आप देखो, यहाँ यहाँ बेंजीन के साथ में CHO डाल दिए, बेंजल्डिहाइड। अब विग्रस ऑक्सीडेशन में प्रिपरेशन याद करो, अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं अगर KMnO4 के साथ, तो पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइड हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, याद आ रहा है,
कार्बन चेन पूरा का पूरा, पिछले ही क्लास में बताया पूरा इंटायर चेन ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, तब यहाँ फार्मूला से इसको मिलाएंगे। यहाँ देखो कार्बन एटम कितना है, 9। अभी यहाँ कार्बन देखो 6 and 1 7, इसका मतलब कार्बन यहाँ पर 2 हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहाँ कितना है 10। अब यहाँ देखते हैं अभी हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 और यहाँ 5, इसका मतलब यहाँ पर 5 हो गया। अब देखो तो मैच करके ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, वहाँ 1। अब ये इसमें कन्वर्ट करेगा, जब टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग्स रिएजेंट यूज करेंगे, इनका विग्रस ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये अल्डिहाइड भी कन्वर्ट कर गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और अल्काइल ग्रुप भी कन्वर्ट कर गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये ऐसे था, तो सोचोगे उस पर थोड़ा सा लड़ोगे और फिर जब हम बता देंगे कि हाँ हाँ ये होना चाहिए तो वो होगा, तब बेनिफिशियल होगा और रहेगा एग्जामिनेशन जो 4-5 है, जब कभी भी रहेगा तो ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और अभी तक का पलट करके आप देख लो क्वेश्चन बैंक, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी को रिपीट कर रहा है, और ऐसा एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम उसका एक अलग से वीडियो ही बना देंगे, चारों पांचों का एक जगह पे कलेक्ट करके, कि जब कभी हो तो कम से कम उसको रट लो कि वो जो हो तुम्हारा हो जाए, क्योंकि अभी तो अलग हो गया, अल्डिहाइड में अलग है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग है, और एक जगह पर रहेगा तो हाँ अच्छा ये वाला पार्ट है इसको कम्प्लीट करना है। लेकिन पहले तुम खुद से कोशिश करो, थोड़ा सा बुक से देखो तो वो ज़्यादा बेनिफिट। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, इसके बाद में भी क्वेश्चन है 12.10, देखो यहाँ पर 12.11, ये भी उसी तरह से स्टेटमेंट बेस्ड ही है। तो पहले देखो कि क्या दिया हुआ है, फिर सॉल्यूशन को देखो कि अच्छा सॉल्यूशन में क्या करा है, अब मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और फिर जब हम बताएंगे, चूँकि हम पढ़ाए हैं तब वहाँ पर बताएंगे, तब फिर आपको लगेगा कि हाँ ये हम गड़बड़ा रहे थे, ये बन गया मेरा हमारा। तो आपको पता चलना चाहिए कि आप अटक रहे हैं कहाँ पर, और फिर जब बताए तो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहाँ से हो जाएगा। तो ये आज बनाओगे आप घर में जाकर के, खोजोगे ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा दिखाई देगा, जैसे ही पेज पलटोगे तो बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई देगा, इसका मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन इस तरीके का निकला है। इसको बनाइएगा, अगले क्लास में हम लोग अमाइन स्टार्ट करेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।